दीपावली पर्व आज देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग इस समय जो शॉपिंग करने में लगे हुए हैं, कई लोग यहाँ पे पटाखा मार्केट में पटाखा लेने आ रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा दें जलंधर के बल्टन पार्क की हैं, जहाँ पर बड़ी सारी मार्केट लगती है। हर साल की तरह इस साल भी मार्केट सजी हुई है और लोग यहाँ पर बड़ी गिनती में पटाखा लेने के लिए आ रहे हैं। वही बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात काम करके दीपावली पर्व मनाने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए यहाँ पर दिन रात काम करते हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जहाँ एक तरफ पटाखा लेने आए हैं, तो वहीं जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो लोगों को यहाँ पर पटाखे की सुविधा मुहैया करवा रहे हैं और आ रहे लोगों के लिए वो पटाखे निकाल कर देते हैं। और दिन से रात तक यहाँ पर काम जो चल रहा है और सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं, तो उनसे बात करते हैं। राकेश जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं करीब हो गया 10-12 साल काम करते हैं। जब भी दीपावली पर्व आता है तो आप पटाखों की दुकान में काम करते हैं? हाँ जी। तो सारा दिन काम करते हो? हाँ जी। तो दीपावली पर्व है, हाँ, तो फिर कैसे मनाते हो जाते? भौजी, जब जैसे बाबू लोग मनाते हैं वैसे मैं भी जाके घर पे मनाता हूँ। क्योंकि लोग तो जैसे शाम को पूजा कर लेते हैं, उसके बाद पटाखा फोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो ऐसे आप मनाते हो कि आप अगले दिन जाके करते हैं? नहीं नहीं, उसी दिन जाके मनाते हैं। यहाँ से 5-6-7 बजे जाके चल मना लेते हैं रात में। और यहाँ पे आप काम करते हो, काफी डेंजरस चीज होती है पटाखा। हाँ जी। तो डर नहीं लगता है यहाँ पे? नहीं जी। और डरेंगे तो पेट के लिए रोटी कहाँ मिलेगी फिर? क्या कहना चाहोगे लोगों को, संदेश देना चाहोगे? नहीं जी, कुछ नहीं। मैं आपने सतीश? हाँ जी, हाँ जी। सतीश जी, कितने सालों से आप पटाखे मार्केट में काम कर रहे हो? वो ये 10-20 साल हो गए। अच्छा, तो हर साल जैसे पटाखा मार्केट लगती है तो आप फिर यहाँ पे पटाखा आके बेचते हो, काम करते हो दुकान पे? हाँ हाँ। तो क्योंकि लोग पूरी जब दुनिया में पूजा करते हैं, जब पटाखे चलाते हैं, तब आप यहीं पे होते हैं कि घर पे होते? घर पे होते हैं, टाइम से चले जाते हैं। तो क्योंकि पटाखा काफी जोखिम भरा काम है, तो डर नहीं लगता पटाखे से? डर तो हर काम में जोखिम है, जिंदगी जीना है तो जोखिम तो झेलना ही पड़ेगा। इस काम में जोखिम नहीं, हर काम में जोखिम है। तो यहाँ पे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं? हाँ हाँ। अगर कुछ होता है तो? हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को? दिवाली है, मनाओ, अच्छे से ढंग से मनाओ, खुशी का मौका है, साल में एक बार आता है। क्योंकि कई लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग हमने जैसे देखे आप है, कई और लोग हैं जो काम करते हैं, काम करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो काम नहीं करते हैं? और मेहनत करो, नशा मत करो, मेहनत करके खाओ, मजे हैं जिंदगी में, बहुत मजे हैं, ठीक है ना, इसको ढंग से जियो। ओके लक्ष्मी, कितने सालों से आप यहाँ पर काम करते हो, जब दिवाली के जब पटाखा मार्केट लगती है? मेरा भाजी 8 साल हो गया यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। अच्छे से यहाँ पर अच्छे से हो रहा है दिवाली, ते मजा भी आता हमारे को, ते अंकल सैलरी भी देती है हमारे को, ते जो भी पटाखा वगैरह हमारे को नाल दे देते हैं चलाने के लिए घर पे बस। तो क्योंकि पटाखों का काम जोखिम भरा काम होता है, तो डर नहीं लगता इसमें आपको? नहीं पाजी, इसमें क्या डर है? कैसे डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको पाजी इसमें मजा आता है हमारे को काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। ते वैसे कुछ है ही नहीं ना, कोई बच्चे किच्चे कहीं कंपनी लगाई हमने, तो डरने का कोई बात नहीं, हमें सावधान कर रहे हैं। तो जैसे लोग जब शाम को पूजा करते हैं, पटाखा चलाते हैं, तो आप तो यहीं पर काम करते होंगे उस समय? पाजी हम कल्ले थोड़ी है, यहाँ पर जो मालिक है वो भी बैठे हैं, हमारे जो पाजी है, सारे दीदी भाभी सारे सब कुछ यहाँ पर ही बैठे हैं, तो हम क्यों डरेंगे? नहीं, तो फिर आप कैसे दीपावली मनाते हैं जब लोग वहाँ पे पूजा कर लेते हैं, पटाखा चलाते हैं? दिवाली में तो आप काम करते होते हैं? हाँ, दिवाली अगले दिन मना लेते हैं हम, रात को जब रात को फ्री हो जाते हैं जाके फिर मना लेते हैं। अच्छा, तो लोगों को कुछ कहना चाहोगे, कुछ संदेश देना चाहोगे? भगवान करे सबका दिवाली अच्छे से बने, हम बस यही दुआ करते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कितने सालों से पटाखा जो मार्केट लगती है, तो आप कितने सालों से यहाँ काम करने आते हैं? नहीं, अभी तो मैंने शॉप पे लगा। अच्छा, पहली बार आए? हाँ जी। तो पटाखा काफी जोखिम भरा काम होता है, तो उसमें डर नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि खासकर महिलाएं या लड़कियां हैं वो पटाखों से काफी गुरेज करती हैं। हमको डर नहीं लगता। अच्छा, तो फिर आप कैसे मनाते हो दिवाली? दिवाली 8 बजे जाके मनाते हैं। क्योंकि सारा दिन तो आप यहाँ पे काम करते हो, तो पाठ पूजा और जब पटाखे फोड़ने होते हैं, जब लोग फोड़ते हैं, फिर काम भी होता है ना, फिर काम करके ही मनाते हैं। तो कितना काम करते हो सुबह शाम, कितने समय यहाँ काम करते हो? सुबह 10 बजे आते हैं, 8 बजे छुट्टी हो जाती है। अच्छा, तो लोग क्योंकि दीपावली पर्व में पटाखा लेने आ रहे, तो
इतनी भीड़ हो रही है? हाँ जी। कितनी भीड़ हो रही है? ज्यादा भीड़ हो रही है। अच्छा, तो फिर अब दिवाली जो पर्व है तो आप फिर कितने बजे जाओगे, कैसे मनाओगे? वो 8 बजे चले जाते हैं। लोगों को क्या कहना चाहोगे दिवाली के लिए? हैप्पी दिवाली। कार्तिक भाई, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे पटाखा मार्केट जब लगते का काम करने आते हैं? हमें काफी साल हो गए पटाखा मार्केट काम करते हैं। अच्छा, तो फिर दीपावली को लेकर क्योंकि पटाखा एक जोखिम भरा काम है, तो डर नहीं लगता उसमें? नहीं, इसमें मतलब जोखिम का काम है, पर लोग सेलिब्रेशन करते हैं पटाखों के साथ, वो भी बेनिफिट भी है और एडवांटेजेस भी है। जैसे दीपावली का पर्व है तो कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, जैसे सुबह से शाम लेके रात तक काफी लोग आ रहे हैं। तो फिर आप कब मनाते हो? क्योंकि जब लोग तो यहाँ से पटाखा खरीद लेते हैं या सामान लेके जाते हैं घर पे, तो आप तो यहीं पे होते हो कि आप चले जाते हैं? नहीं, हम चले जाते हैं 8-9 बजे तक दिवाली वाले दिन। अच्छा, तो कैसे आपको ये शौक पड़ा है पटाखे? जो दुकान लगती है पटाखे से लोग, ये हमारे जब ब्रदर ही लगते हैं, उनके साथ हम जैसे लोगों को खुशियाँ देने का काम हो गया। अच्छा, कोई संदेश देना चाहोगे लोगों को? पटाखे चलाए, कम से कम प्रदूषण हो रहा है और ध्यान से चलाए चलाना। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र। कितने साल हो गए आपको जब पटाखा मार्केट लगती है काम करने आते? सर 15 साल हो गए। अच्छा, तो पटाखों का काम काफी जोखिम भरा काम होता है, तो डर नहीं लगता इसमें? सर डर नहीं लगता, हम शौक से करते हैं काम, तो काम करते हैं बहुत बढ़िया लगता है। तो कुछ दिन मार्केट लगती है तो बाकी फिर सारा साल क्या करते? सर मैं स्कूटी का काम करता। अच्छा, तो मतलब कि जब दीपावली होती है तो 15 दिन की मैं छुट्टी करता हूँ ये काम करने का। अच्छा, हाँ जी सर। तो जैसे अब दीपावली का त्यौहार है, लोग क्योंकि त्यौहार मनाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो आप तो सारा दिन फिर काम करते, तो समय कब लगता है? सर 5-6 बजे हम छुट्टी करके चले जाते हैं। अच्छा, छुट्टी हो जाती है, घर जाकर नहा धोकर अपने धूपबत्ती करते हैं। तो मतलब की एक तरफ सिक्योरिटी का काम करते हैं, फिर 15 दिन यहाँ लगाते हैं, तो सिक्योरिटी के में काम क्यों छोड़ देते हैं उस समय? नहीं सर, हमको आदत पड़ी है पटाखे का काम करना ही करना है। अच्छा, तो फिर आपका कुछ बनता है कि नहीं बनता है 15 दिन में? सब कुछ बनता है सर। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? हाँ जी, संदेश सर काम बढ़िया है, काम करना चाहिए, आराम का काम है, बढ़िया काम है, करना चाहिए, अच्छा लगता है काम करने में, मजा आता है। So, अभी हम जिन लोगों से बात की वो लोग यहाँ पर पटाखा मार्केट में बनी दुकानों में काम करने आते हैं, क्योंकि हर वर्ष जो ये पटाखा मार्केट लगती है, सजाई जाती है, लोग यहाँ पर पटाखा खरीदने आते हैं। यहाँ जालंधर ही नहीं बल्कि जालंधर के जो और भी आसपास के जो इलाके वहां से भी पटाखा खरीदने आते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं बल्टन पार्क की, और देख सकते हैं कि लोगों का काफी अभी तक रश है दीपावली पर्व को लेकर, लोग अभी तक पटाखा खरीदने आ रहे हैं। और तस्वीरें ये जो है बल्टन पार्क की हैं, और आपको बता दें कि काम करने वाले लोगों ने कहा है कि जब भी दीपावली आती है तो वो यहाँ दुकानों में आके काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, और दीपावली वाले दिन 8 या 9 बजे के करीब चले जाते हैं। और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके भी मालिक से बात करेंगे कि क्या कहना है उनका, क्योंकि हमने जो उनकी राय जानी है। रवि महाजन जी, आप मार्केट के प्रधान भी हैं और आपके पास कई लोग जो काम करते हैं, तो इनका कैसे रोजगार जो है इन दिनों में कैसा चलता है, और इनको क्या क्या कुछ बेनिफिट हो पाता है? बेनिफिट की बात करो तो इन्हना दी भी रोजी रोटी का काम होता है, रोजी रोटी के कारण हम इनको दिवाली वाले दिन में पटाखा चलाने के लिए देते हैं, इनके परिवार को मिठाई के डब्बे भी देते हैं, और इसलिए इन लोगों को कोई शौक होता है कि एक हमारा तो जो काम हुआ प्रभु राम के काम करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि जो प्रभु राम का ही दिवाली का त्यौहार जो है प्रभु राम का त्यौहार है, इसलिए इन लोगों को बहुत ही श्रद्धा होती है कि हम प्रभु राम के काम के लिए हम आए हैं। लेकिन इसको लेके पटाखा, क्योंकि काफी डेंजरस चीज है, क्योंकि पटाखों को लेकर बहुत सी सावधानी बरतनी होती है, तो आपके यहाँ पर पूरी जो एहतियात जो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं, फायर ब्रिगेड है या जो आग बुझाने वाला सिलेंडर या और जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम, वो कैसे हैं? जो हमें प्रशासन की तरफ से हिदायतें मिली होती हैं हम उनको अच्छी तरह से पालन करते हैं, और क्या पूछा? और जो यहाँ पे अगर कोई अचानक कोई मान हाँ, हो जाए, बाकी
जहाँ मार्केट में हम किसी भी कोई भी हो, हम किसी को ना बीड़ी पीने देते हैं, ना सिगरेट पीने देते हैं, और ना अग्नि का कोई ऐसा जो काम हो जो मतलब हमारे को नुकसान करे, उसको हम अपनी मार्केट के नजदीक भी नहीं आने देते। तो इनको छुट्टी कब दी जाती है, कब ये जाके अपना दीपावली पर्व मना पाते हैं, क्योंकि अभी भी काफी रश है, समय जो है इस समय 6:15 हो गए हैं, तो इनको कब भेजा जाएगा यहाँ से, कैसे ये दीपावली मनाएंगे और क्या कहना चाहेंगे? दीपावली वाले दिन सभी दुकानदारों का सामान जो है बिक जाता है, और कोई अपना 6 बजे चल जाता है, कोई 7 बजे जाता है, कोई 8 बजे तक जाता है, 8 बजे तक तकरीबन मार्केटें सभी जो होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये थे पटाखा मार्केट के जो प्रधान रवि महाजन, और इसके साथ जो लोगों से हमने बात की है, और उन्होंने भी बताया है कि इन लोगों को वह पटाखे देते हैं, कई उपहार देते हैं, और इनका जो रोजगार है इन दिनों में काफी अच्छा रहता है, ये 4 पैसे जो कमा पाते हैं, और इसके यहाँ पे वो दीपावली मनाते हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे बल्टन पार्क की हैं, समा आप देख सकते हैं कि 6:15 का समा होने जा रहा है, और इस समय भी पटाखे लेने के लिए लोग गाड़ियों में आए हुए हैं, गाड़ियां भर भर पटाखा लेके जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाइडलाइन भी है कि सिर्फ 2 घंटे पटाखा चलाया जाए, और पॉल्यूशन जिन पटाखों से कम हो वो पटाखे चलाए जाएं, और इसके सिवाय ये भी बता दें आपको कि हर साल की तरह इस साल भी ये मार्केट सजी हुई है, लगी हुई है, लोग जो है पटाखा लेने यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ, देवेंद्र कुमार जालंधर।